ठीक है। अच्छा बेटा देखो लेंस फार्मूला ऑलरेडी मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा है मिरर इक्वेशन के नाम से, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। बेटा इसमें f हमारे पास फोकल लेंथ, p हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, और q क्या है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। अच्छा सबसे पहले बेटा ये तो ये सवाल बेटा पूरा इस रे डायग्राम पे बेस कर रहा है कि चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सारी हम इसकी ज्योमेट्री करनी। तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर है तो इसके अंदर हम इससे कि लेंस की पूरी ज्योमेट्री समझेंगे, रे डायग्राम समझेंगे, तभी आपको ये डायमेंशन समझ आएगा। ठीक है बेटा, और एग्जाम में एक बार आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में डायग्राम जब आप उसको सॉल्व करने जाएंगे उसको सवाल को अटेम्प्ट करें तो ये लिखने के बाद डायग्राम जरूर बनेगा। अक्सर मैं देखता हूं कि एग्जाम में बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, हर डायरेक्शन का रट्टा लगाते हैं, ये पूरी की पूरी बेस करती डायग्राम पे। अगर डायग्राम ने आप में सही तरीके से नहीं बनाई और आपने विदाउट डायग्राम आपको प्रूव कर दिया, एक नंबर ज्यादा एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देंगे, बैड इंप्रेशन हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है डायग्राम पे, मैं भी डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, पूरी बेस होती है डायग्राम, समझे इसको बेटा। बेटा देखिए अभी मैंने आपको बताया लेंस के हवाले से कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसके अंदर जो इमेज होता है हमारे पास कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। तो बेटा देखो मान लो ये हमारी है, अभी मैंने आपको पहले बताया था क्या है प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा लेंस। बेटा यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट पास हुई यहाँ से लाइट इस पॉइंट से फोकस करते हुए मिली है, बन गया हमारा इमेज, कैसा हो गया रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है बेटा। अच्छा बेटा नाम हमने तो दे दिया एच ओ, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है बेटा हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एच आई हाइट ऑफ द इमेज, इसको नाम दे दिया ओ पी क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, सकते डिफरेंट नोट्स आ रहे हैं आपने ए और बी सी डी के नाम से पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप उसको ऑब्जेक्ट से नाम से देखिए ज्यादा बेहतर है, लाइक ओ से आ रहा है और इमेज आई से आ रहा है, मैंने उसको आई पी का नाम दिया और ये मैंने नाम दे दिया इसको पॉइंट ए और ये नाम दे दिया एक्स। बेटा यहाँ आपने सपोजिशन कर ली, जैसे आपको पता है कि हम सपोज कर देते हैं पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्यू इमेज डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ है, एच को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आर हाइट ऑफ द इमेज। अब इस डायग्राम को हमें कंसीडर करना है, जरा और करें इधर देखिए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी एक्स, एक ट्रायंगल बनता है, जरा आ रहा है बेटा आपको मैं बना रहा हूं ओ पी एक्स, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और एक ट्रायंगल बन रहा है आई क्यू एक्स। आप जरा और करें, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये आई क्यू एक्स, ज्योमेट्री कहती है मैट्रिक में जीरो में पढ़ते हुए आया बेटा, दो ट्रायंगल अगर हमारे पास सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल दो तरीके से सिमिलर होते हैं, या तो ए एस ए पोस्टुलेट मैट्रिक का थ्योरम ए एस ए या एस ए एस राइट एंगल साइड एंगल साइड एंगल, बेटा ये ट्रायंगल बराबर है इस बेसिस पे, ये दोनों कौन से ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल, तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल बराबर है क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन हो रही है दोनों की ओ पी एस और ट्रायंगल आई क्यू एस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मैंने लिख दिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल OPX इक्वल टू ट्रायंगल IQX आर सिमिलर। ज्योमेट्री का रूल ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, इंटरसेक्शन हो रही हो, तो उनकी साइड्स के रेशियो लो, यानी उनकी साइड्स को क्या करो आपस में डिवाइड करो। ठीक है बेटा, जरा और करें डायग्राम में और करेगा बेटा, देखो OP डिवाइडेड बाय IQ, देखो मैंने ये कर रहा हूं OP डिवाइडेड बाय IQ, एक साइड ये हो गई PX, ठीक है बेटा, और एक साइड क्या हो गई QX, देखो PX divided by QX, देखिए दोबारा बता रहा हूं yes. जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स के रेशियो को डिवाइड किया जाता है, इनकी साइड्स के रेशियो दिए जाते हैं, OP को डिवाइड किससे किया मैंने IQ से, P से लेके X को मैंने किससे डिवाइड किया Q से लेके X, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब जरा गौर करें बेटा इसके बताएं कि देखिए हमारे पास ये वाली चीज क्या है HO, HO का नाम दे दिया, इसको क्या नाम दिया हमने HI, ये HI का नाम दे दिया। अब जरा मुझे आप डायग्राम देखिए बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायग्राम के बगैर सवाल मुमकिन नहीं है, देखिए लेके P से लेके X तक का फासला कितना है, मैंने कलर से बनाया हुआ P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट से लेके लेंस के सेंटर का फासला कहलाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड P, ये हमारे पास क्या आ गया P से लेके X P आ गया, लेंस के सेंटर से Q तक का फासला हमारे पास कहलाता है इमेज डिस्टेंस, ये इमेज बना ना इमेज का लेंस के सेंटर से जो फासला इसको हम क्या कहते हैं Q इमेज डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास क्यू दे रहे हैं अपन। अच्छा इसी तरह देखिए बेटा, अब जरा गौर करते हैं, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, सिमिलरली आप जरा गौर करें बेटा, अगर तो एक ट्रायंगल हमारे पास, दो ट्रायंगल और बन रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ट्रायंगल ए एक्स एफ, अगर आप जरा गौर करें डायग्राम इधर बना लेते हैं छोटी सी एक ग्राफ डायग्राम, देखो बेटा गौर
डॉटेड लाइन से बनेंगे ए एक्स एफ। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और आप देखिए एक ट्रायंगल इंटरसेक्शन और हो रही है, ये देखिए आई क्यू एफ स्क्वायर करके बनाया, थोड़ा बात लोगों को आसान समझ आ जाए। आई बेटा ये दो ट्रायंगल भी हमारे पास सिमिलर है, ये प्रूफ हो गया वाला पर है इसके टू वाला पर भी प्लस वाला पर एंड दैट्स ऑल फॉर थैंक यू।